थे, से मारुति का ट्रेड था और टाटा मोटर का ट्रेड था, तो उसमें जो मार्जिन, एक्चुअल मार्जिन जो लग रहा है, जैसे 30,000 अप्रॉक्स, बट कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि मुझसे करीब 1.5 लाख रुपए का मार्जिन वहां लग रहा है, या मेरे से मार्जिन ज्यादा, वहां पर मेरा ब्रोकर जो है वो मार्जिन ज्यादा चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेसमेंट होता है, ठीक है, कि आपको जब भी आप कोई भी सेटअप लेते हो, कोई भी हेजिंग का सेटअप लेते हो, तो आपको वहां पर ऑर्डर कैसे प्लेस करना होता है। अभी लोग, आप लोग ऑर्डर गलत आई थिंक प्लेस कर रहे हो। ठीक है, तो कभी भी अगर आप कोई भी हेजिंग की पोजिशन लो, मान लो कोई ऑप्शन आप बाय करने वाले हो और सेकंड ऑप्शन आप सेलिंग करने वाले हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको जो आप ऑप्शन बाय करोगे पहले आपको वो एग्जीक्यूट करना होता है, देन जाके आपको सेलिंग वाला ऑप्शन एक्टिवेट एग्जीक्यूट करना होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप कभी भी हेजिंग की कोई भी पोजिशन बनाओगे, रूल ये है कि सबसे पहले आपको बाय लेग एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद आपको सेकंड लेग एग्जीक्यूट करनी होती है। रीजन बीइंग क्या है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे कि जो रिसेंट ट्रेड है टाटा मोटर्स का, अगर मैं यहाँ पर टाटा मोटर्स का, जैसे 400 रुपए का कॉल था, मैंने बोला इसको आपको सेलिंग करना है जून जून का। ठीक है, जैसे कि आप मान लो पहले आपने 400 रुपए का कॉल सेल कर दिया, यहाँ पे कितना मार्जिन मांग रहा है आपका, 1,56,000 रुपए। अब अगर आपके पास अकाउंट में इतना पैसा है तो आपसे आपका ये सेल कर देगा। ठीक है, अब जिन लोगों के पास पैसा इतना नहीं है अकाउंट में, उनका क्या बोलेगा ये कि आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, आपको इतना मार्जिन देना पड़ेगा। तो वो लोग क्या बोलेंगे, इसमें तो 1.5 लाख रुपए लग रहा। नहीं, अगर यही हम अगर ऐसे करेंगे, यहाँ जैसे मैंने रिसेट किया वापस से, और पहले हमने यहाँ पर 350 का ऑप्शन बाय किया, ठीक है, इसमें जो मार्जिन कितना आपका लग रहा है, 31,000 करीब है 350 का। मैंने, हालांकि प्राइस अभी बढ़ गया है, मैं एक बार जहां से था वहां प्राइस में डाल दे रहा हूँ, आई थिंक 7 रुपये करीब, 8 रुपये या 7 रुपये करीब था, हाँ 7.95। ठीक है, तो वहां पर देखोगे आप जो मार्जिन आपका वो 22,000 रुपये लगने वाला है। ठीक है, तो अगर आपके पास 22,000 रुपये अकाउंट में है तो आपसे आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको सेलिंग करना है। तो अगर मैं दोबारा से यहाँ पर, तो ये गलत हुआ है, ठीक है, आपको सेलिंग करना था 400 का ऑप्शन, और इसका जो प्राइस था वो भी प्राइस बढ़ गया है, मैं वापस से यहाँ से डाल रहा हूँ आई थिंक 2.65 का। लास्ट वीडियो आप देखिएगा, उसमें यह ट्रेड मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू रूल अभी के हिसाब से जो ट्रेड है वहां पे जो मार्जिन है वो 31,000 में इजिली आपका ट्रेड ये लग रहा है। ठीक है, और जो आपका पीएनएल है अभी का वो 6,200 करीब, 6,000 रुपीज हमें यहाँ प्रॉफिट भी हमारा यहाँ पे दिख रहा है। सो 30,000 के इन्वेस्टमेंट में हमें 6,000 रुपये प्रॉफिट, आई थिंक 25-20% आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ये है कि अगर आप 30,000 में आपको 20% रिटर्न आपको एक दिन में टाटा मोटर ने ट्रेड दिया हो। ठीक है, सो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको बहुत लोग जो गलती कर रहे हैं कि आप सेलिंग पहले कर दे रहे हो तो आपका मार्जिन जो है वो ब्लॉक हो जा रहा है, आप उसके बाद आप बाय ही नहीं कर पा रहे हो। सो आपको पहले करना क्या है, पहले आपको बाय करना है, जो आप जो एक बाय लेग है आपको वो बाय करना है, उसके बाद जो सेकंड सेल लेग है वो आपको सेलिंग करना है। ओके, सो ये आपका टाटा मोटर्स का है। एक ट्रेड मारुति का भी था, उसका मैं एक बार देख लेता हूँ क्या उसमें अभी अभी रिसेंट में क्या आई थिंक उसमें भी 5,000 के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है। मारुति ऑप्शन 7,000 का, आई थिंक 6,600 का था, दूसरा हमारा था 7,000 का, इसको आपको सेल करना है। अच्छा, अभी प्राइस ये बढ़ गया है, मैं यहाँ से प्राइस पर वहां पर डाल दे रहा हूँ 2,1। ठीक है, और ये आपका सेल हुआ था 74 का, तो इसमें भी करीब 4,100 अभी मिल रहा है, जब उसी टाइम पे करीब 5 to 6,000 रुपीज का प्रॉफिट इसमें देख रहा था। अभी प्राइस जस्ट प्राइस थोड़ा सा नीचे आया तो आपको ये प्रॉफिट, हालांकि दोनों ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में ही है। ठीक है, यहाँ पे आपका 23,000 का मार्जिन ऑलरेडी यहाँ पर जा रहा था। ओके, तो ये आपको कभी भी आप ट्रेड यहाँ पे हेजिंग में कभी भी आप ट्रेड लेके जाओगे, आपको हमेशा बाय लेग पहले एग्जीक्यूट करनी होती है, उसके बाद आपको जो सेल लेगा वो आपको एग्जीक्यूट करनी होती है। ओके, तो एक बार चार्ट देखे थे टाटा मोटर का, आई थिंक जो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाँ यहाँ ब्रेकआउट यहाँ से हो सकता है, तो ये अच्छा कैंडल यहाँ बना हुआ है, बाकी देखते आगे क्या होता है। हालांकि 4% अप है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस निकालेगा, जो ये आपका प्रीवियस ये है स्विंग हाई, ये निकालेगा 324 का, वैसे इसको इधर यहाँ तक कहीं यहाँ यहाँ करीब 3340-350 तक इजिली जाना चाहिए। ठीक है, 324 के बाद यहाँ पर 350 आना चाहिए इसको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा हो और आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी लोग यहाँ से
ट्रेड ले रहे हैं, आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर भी करिएगा, जो भी ट्रेड्स हैं या जो आपका जो जो भी चैनल्स है उसको आप शेयर करिए आपके फ्रेंड्स में से, आपको भी उनको भी बेनिफिट यहाँ पे हो सके। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।